इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के सांबा में तीन जगहों पर दिखे संदिग्ध ड्रोन। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे एक ही समय पर देखे गए ड्रोन। बीएसएफ की टीम ने एक जगह पर ड्रोन पर की फायरिंग, उसके बाद पाकिस्तान की ओर गए ड्रोन। पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज भी मच सकता है हंगामा। विपक्षी दल लगातार चर्चा की कर रहे मांग। आज विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक। पेगासस समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। संसद में विपक्षी दलों के रवैये को प्रहलाद जोशी ने दुखद बताया। कहा, विपक्षी दलों से संसद चलने देने की कर रहे हैं मांग। राहुल के बयान पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पेगासस को राहुल बेवजह मुद्दा बना रहे। पेगासस जासूसी मामले को लेकर 500 नामचीन लोगों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी, मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। राहुल गांधी ने फिर राफेल डील को बड़ा घोटाला बताया। कहा, अल्प में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन पूरा। दिल्ली में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने सांसदों और मंत्रियों के साथ 2 दिन बैठक की। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने सभी नेताओं को दिया जीत का मंत्र, लोगों तक जनहित के कार्यों को पहुंचाने को कहा। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। 26 जनवरी हिंसा मामले में दूसरे वकील की मांग पर मच सकता है हंगामा। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में दूसरे वकील की मांग की है। एलजी से इजाजत मिलने के बावजूद केजरीवाल सरकार कर रही विरोध। जयपुर में आज कांग्रेस के विधायकों से फिर मिलेंगे अजय माकन। आलाकमान को फाइनल रिपोर्ट देने से पहले अब तक 115 विधायकों से मिल चुके हैं। असम मिजोरम बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच असम सरकार की एडवाइजरी, मिजोरम और प्रभावित इलाकों में जाने से मना किया। असम के मंत्री का मिजोरम सरकार पर आरोप, गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद विवादित जगह में अपने लोगों को नहीं हटाया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% आरक्षण। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से नए भारत के निर्माण में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति से एक ही क्लास के एक ही कोर्स का बंधन खत्म, छात्र अपनी सुविधा से चुन सकते हैं कोर्स। पीओके में चुनाव कराने पर भारत ने दर्ज कराया विरोध का, पीओके को खाली करे पाकिस्तान। अफगानिस्तान को लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, वहां शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर करेंगे काम। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश को जिंदा पकड़ने के बाद बर्बरता से की गई थी हत्या, एक रिपोर्ट में खुलासा। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी, एक दिन में 44,667 नए केस सामने आए, 549 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 22,064 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 128 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के स्वास्थ्य मंत्री, ज्यादा टेस्टिंग की वजह से आ रहे ज्यादा केस। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 45 लाख के पार, 24 घंटे में 47 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना नाइट कर्फ्यू, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। महाराष्ट्र के 25 जिलों में दी गई छूट, दुकान सिनेमा हॉल खोलने में मिलेगी छूट, शादी समारोह के लिए रोक बरकरार। लेह मनाली हाईवे पर ट्रैफिक हुआ बहाल, लैंडस्लाइड की वजह से रुकी थी आवाजाही। उत्तराखंड के चंबा ऋषिकेश हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक जाम, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से पुलिस स्टेशन की दीवार गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के कटिहार में मेयर की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मेयर मर्डर मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, परिवार ने 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। धनबाद जज मौत मामले में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑटो को किया जब्त, लखन और राहुल वर्मा नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया। तुर्की में जंगलों की आग से भारी नुकसान, अब तक 3 लोगों की झुलसने से हुई मौत। टर्की में तटीय इलाकों के करीब पहुंची आग, बीच से दिख रही आग की लपटें, खाली कराए गए कई रिसोर्ट। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची दीपिका कुमारी, प्री क्वार्टर फाइनल में मिली जीत। बैडमिंटन महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु देंगी टक्कर, दोपहर 1:15 बजे से होगा मुकाबला। बॉक्सिंग में महिला लाइटवेट कैटेगरी में आज सिमरनजीत कौर का होगा मुकाबला। वेल्टरवेट कैटेगरी में लवलीना भी रिंग में उतरेंगी। महिला हॉकी टीम की आज आयरलैंड से टक्कर, पुरुष हॉकी टीम का जापान से होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स में खत्म हुआ मैरी कॉम का सफर, राउंड ऑफ 16 में इंग्रिड वैलेंसिया ने 3-2 से दी मात। मैरी कॉम ने मैच रेफरी के फैसले पर जताई हैरानी, कहा, मुझे लगा था मैं जीत गई। तीसरे T20 में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से दी शिकस्त, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। भारत ने 20 ओवर में बनाए 81 रन, श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर 14.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।
मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।